लास्ट फ्यू ईयर्स में काफी डिबेट रही है अबाउट एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सपेंस रेशियोज कम होने की वजह से पैसिव फंड्स आर अ बेटर ऑप्शन, और कईयों का कहना है कि एक्टिव फंड्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण दे कैन गिव अ फार बेटर रिटर्न देन द बेंचमार्क। वेल, दोनों ही तरह के फंड्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और अभी तक ये बात तो क्लियर नहीं है कि विच वन इज अ क्लियर विनर। पर एक बात तो सर्टन है, मोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट के एवरेज रिटर्न्स है दैट इज मोर देन इनफ टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट के एवरेज रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पैसिव फंड्स के। आज हम ऐसे ही एक पॉपुलर फंड की बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान के बारे में। हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स की बात करेंगे। हम HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान के पोर्टफोलियो और वैल्यूएशंस पर भी एक नजर डालेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग रिव्यूज। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान के बारे में। ये एक पैसिव फंड है, यानी कि ये फंड किसी इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मान के उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। कोशिश रहती है कि पोर्टफोलियो और रिटर्न्स को अंडरलाइंग इंडेक्स की तरह ही रखा जाए फंड में। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान के केस में जो अंडरलाइंग इंडेक्स है वो S&P BSE सेंसेक्स है, यानी कि HDFC का ये इंडेक्स फंड जो BSE सेंसेक्स इंडेक्स है उसके पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करेगा और उसके रिटर्न्स को जनरेट करने की कोशिश करेगा। आइए फंड के पास रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में 24.88% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अगेंस्ट बेंचमार्क यानी कि BSE सेंसेक्स का रिटर्न 24.23% का था। 3 और 5 साल के पीरियड में फंड ने 19.16% और 18.56% के एवरेज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लॉन्गर टर्म यानी कि 10 साल के पीरियड में फंड के एवरेज रिटर्न 15.04% के रहे हैं। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का इंसेप्शन जुलाई 2002 में हुआ था, और तब से इस फंड ने 15.53% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, फंड के हर टाइम पीरियड में पॉजिटिव ट्रैकिंग डिफरेंस रहा है। फंड के और बेंचमार्क के रिटर्न्स में स्लाइट डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एंड कैश एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन द पोर्टफोलियो। क्योंकि ये फंड सेंसेक्स इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है तो इसका पोर्टफोलियो सिमिलर ही है। आइए एक बार स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में BSE सेंसेक्स की तरह ही 30 स्टॉक्स हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में है विद 12.31%। सेकेंड हाईएस्ट वेटेज पोर्टफोलियो में HDFC बैंक की है विद 10.32%, और थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग है इन्फोसिस की विद 10.01%। टॉप 10 स्टॉक की टोटल वेटेज सेंसेक्स इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में 67.67% की है। अगर सेक्टर एलोकेशन को देखें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स में है विद 40.93%। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 19.27% इन्वेस्टेड है और 14.39% एनर्जी में एलोकेटेड है। टॉप 3 सेक्टर्स की टोटल वेटेज पोर्टफोलियो में 74.59% की है। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान के वैल्यूएशन एट द मोमेंट फेयर लग रहे हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.76 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 28.24 का। फंड का NAV एज ऑन 7 जनवरी 2022 ₹536.0233 का था। चलिए अब फंड के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जिसमें सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 नवंबर 2021 ₹2749 करोड़ का था, और फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.40% का। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपकी मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 की होनी चाहिए। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ₹1,000 की कर सकते हैं। इन केस यू प्रीफर टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड तो आप ₹500 की इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं पर मंथ। कई इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स SIP मेथड के थ्रू करने चाहिए या लमसम मेथड के थ्रू। वेल, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हमने ये प्रोज एंड कॉन्स समझाए हैं और आपको बताया कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में रिडेम्पशन पर एग्जिट लोड बहुत ही मिनिमल है। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 3 दिनों के अंदर अंदर बेच देते तो आपके रिडेम्पशन अमाउंट पर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। 3 दिनों के बाद बेचे हुए यूनिट्स पर किसी भी तरह का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान सेंसेक्स को ही कॉपी करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो टैक्सेस लगेंगे वो इक्विटीज की तरह ही लगेंगे। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचेंगे तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स इन वन फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज़।
HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान एक पैसिव इंडेक्स फंड है, यानी कि फंड मैनेजर की कोई भी कॉल नहीं रहती कि कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में खरीदने और कौन से बेचने हैं। मार्केट कैप के हिसाब से जो भी BSE के टॉप 30 स्टॉक्स होंगे वही पोर्टफोलियो में रहेंगे। इससे किसी भी तरह के बायसेस हट जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली टॉप 30 लार्ज कैप स्टॉक्स में हो जाती है। ये फंड किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का कोर फंड जरूर बन सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224 एंड वी विल श्योरली हेल्प यू। किसी भी और तरह की क्वेरी के लिए नीचे दिए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds।